अस्सलाम वालेकुम। आज आपको गुलाब जामुन बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने मिल्क पाउडर लिया है 2 कप। इस कप से हमने सारी चीज़ों को नाप लिया है। सल्फराइजिंग फ्लावर 1 कप, व्हिपिंग क्रीम या थिक क्रीम जिसको कहते हैं 1.5 कप या हसबे ज़रूरत, चीनी 3 कप, सबुज इलायची 4 से 5 अदद, ऑरेंज फूड कलर 1 से 2 चुटकी, ये ऑप्शनल है, और पानी चाहिए 4 कप। शीरा बनाने के लिए हम एक बर्तन में चीनी और 4 गिलास पानी डाल देंगे। पानी हमने डाल दिया है, अब हम इसमें सबज इलायची खोल के डाल देंगे और ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और शीरे को 10 मिनट तक पका लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम मिल्क पाउडर को छान लेंगे। अब सेल्फ राइजिंग फ्लावर को भी छान लेंगे। इसको मिक्स करके क्रीम से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। क्रीम के साथ हमने गुलाब जामुन का डो गूंद लिया है। अगर आपको लगे कि इसमें क्रीम कम है तो इसमें आप मज़ीद क्रीम डाल दें और एक स्मूथ सा डो गूंद लें। अब हम इनके बॉल्स बना लेंगे। अब हम डो के छोटे बॉल्स बना लेंगे और मेक श्योर कीजिएगा कि बॉल्स में कोई क्रैक ना हो। बॉल्स हमने बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट तक हमने शीरे को पका लिया है, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, अब हम इसमें ये बॉल्स डाल देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इनको निकाल लेंगे। जब शुगर सिरप नीम गर्म हो तो हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे और गुलाब जामुन को आधे घंटे तक शुगर सिरप में सोक कर देंगे। गुलाब जामुन को हमने निकाल लिया है, अब हम इन पर गार्निश के लिए कटे हुए बादाम डाल देंगे। हमने 2 साइज़ के गुलाब जामुन बनाए हैं, एक में हमने बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बनाए हैं और एक में हमने छोटे साइज़ के बनाए हैं। आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के गुलाब जामुन बना लें। जैसे ही गुलाब जामुन सॉफ्ट होंगे हम इनका शुगर सिरप निकाल देंगे। आपको दिखा देते हैं ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। गुलाब जामुन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इनका शुगर सिरप निकाल देंगे और इनको सर्व करेंगे। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपके गुलाब जामुन कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।